क्वेश्चन है ये हमारा, चेतावनी रा चुंगटिया किसने लिखा? दोस्तों चेतावनी रा चुंगटिया किसने लिखा? प्रताप सिंह बारेठ ने, जोरावर सिंह बारेठ ने, राव गोपाल सिंह ने, केसरी सिंह बारेठ ने। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर चार होगा केसरी सिंह बारेठ। दोस्तों केसरी सिंह बारेठ, वैसे मैंने केसरी सिंह बारेठ के बारे में पुराने क्लासों में बहुत कुछ आपको बता दिया है। दोस्तों केसरी सिंह बारेठ का जन्म देवपुरा गांव में हुआ। चलिए मैं सारी जानकारी आपको दे देता हूं। दोस्तों देवपुरा गांव, देवपुरा वैसे देखा जाए तो भीलवाड़ा कस्बा पड़ता है, भीलवाड़ा, ठीक है, और भीलवाड़ा का सापुरा, और इस सापुरा के अंदर देवपुरा खेड़ा, कौन सा गांव है भाई? देवपुरा खेड़ा नाम गांव है जहां इनका जन्म हुआ। दोस्तों केसरी सिंह बारेठ जो है ये इनका जो केसरी नाम है ये एक उपाधि है, ठीक है, केसरी उपाधि भी है और केसरी सिंह बारेठ इनका नाम भी है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं ये चारण जाति के थे। दोस्तों ये कौन सी जाति से संबंधित है? चारण। तो इनकी जितनी भी रचनाएं आएंगी वो सारी की सारी, क्योंकि तो चारण जाति की साहित्यिक शैली डिंगल होती है। दोस्तों चारण जाति की कौन सी होती है? डिंगल शैली होती है। तो आपको याद रखना है इनकी शैली कौन सी है? डिंगल है, अर्थात ये डिंगल शैली में रचनाएं लिखते हैं। नाम है केसरी सिंह बारेठ। दोस्तों आपसे पूछा जाए इनकी कर्म भूमि कहां रही? तो दोस्तों इनकी दो कर्म भूमि है, कौन कौन सी है भाई इनकी कर्म भूमि? पहली कर्म भूमि है मेवाड़, कौन सी है? मेवाड़। और दूसरी है इनकी कोटा। वैसे देखा जाए तो कोटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेवाड़ तो जन्म भूमि है एक प्रकार से, मेवाड़ यानी सापुरा भीलवाड़ा, और अंतिम रूप से कोटा इनकी कर्म भूमि मानी गई है। इन्होंने कोटा में ही सब कुछ कुर्बान कर दिया एक प्रकार से मैं कह सकता हूं। दोस्तों कोटा में इन्होंने क्या किया वो भी बताने वाला हूं, लेकिन पहले आपको एक बात बता देता हूं कि इनकी कर्म भूमि कोटा रही है और केसरी सिंह बारेठ ने चेतावनी रा चुंगटिया। दोस्तों ये 13 सोरठे हैं, कितने सोरठे हैं? 13 सोरठे हैं। और ये किस भाषा में है भाई? डिंगल में है, आपको याद रखना है इसमें है डिंगल में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो डिंगल में 13 सोरठे हैं। दोस्तों मैं दो दिन पहले जब लाइव क्लास ले रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जयपुर के राजा सवाई राम सिंह द्वितीय, जिन्होंने 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था, बताया था ना, और वही अल्बर्ट आगे चल करके जब ब्रिटेन के सम्राट बनते हैं तो उनका नाम है एडवर्ड सप्तम, क्योंकि उस समय जब आए थे वो प्रिंस के रूप में आए थे। 1876 में किस नाम से आए थे? प्रिंस के नाम से। और आगे चल करके वो क्या बन जाते हैं? ब्रिटेन के सम्राट बन जाते हैं, अर्थात किस नाम से? एडवर्ड सप्तम के नाम से। और वो भारत आते हैं 1903 में। कब आते हैं? 1903 में भारत आते हैं, और दिल्ली में एक बहुत बड़ा क्या आयोजित होता है? दरबार। दिल्ली में दरबार आयोजित होता है 1903 में, और इस दरबार में देश की सभी रियासत के राजाओं को, चाहे वो देसी राजा हो, देसी रियासतों के राजा या अन्य, या ब्रिटिश भारत के प्रांत या ब्रिटिश भारत के अन्य भाग, सभी को बुलाया गया। इस जगह पर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह भी चले गए, वो दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली दरबार से पहले कहीं होटल रेस्टोरेंट या किसी धर्मशाला या कहीं पर रुके हुए थे, ठीक है। और ऐसे समय में उनके पास में एक पत्र पहुंचता है, किसका? केसरी सिंह बारेठ का। और उस पत्र में क्या है? 13 सोरठे। किस भाषा में है? डिंगल में। चेतावनी रा चुंगटिया। इस प्रकार से ये जैसे ही वो पढ़ते हैं उनमें स्वाभिमान जग जाता है देश और अपनी माटी के प्रति। वो दिल्ली दरबार में शामिल हुए बिना लौट करके मेवाड़ आ जाते हैं। यही है चेतावनी रा चुंगटिया। इसके द्वारा लिखा गया? केसरी सिंह बारेठ के द्वारा। दोस्तों केसरी सिंह बारेठ ने कोटा को अपनी कर्म भूमि बनाया और कोटा में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। दोस्तों कोटा में इन्होंने क्या की? वीर भारत सभा की स्थापना की थी। आपको पता होगा वीर भारत सभा, दोस्तों वीर भारत सभा की स्थापना
1910 कोटा, और किस किस ने, इनके सहयोगी थे गोपाल सिंह खरवा। दोस्तों गोपाल सिंह खरवा, कौन नहीं जानता इनको, गोपाल सिंह खरवा सशस्त्र क्रांति के जनक है हमारे राजस्थान के। गोपाल सिंह खरवा इनके सहयोगी थे, कोटा में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। दोस्तों आपको याद होगा 1912 की बात है, जोधपुर के एक रामस्नेही संप्रदाय के साधु साधु प्यारे लाल, जिसकी हत्या कर दी गई थी। वैसे देखा जाए तो हत्या करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो गलती से हो गई, और इस हत्या में इनके सहयोगी थे केसरी सिंह बारेठ की बात हो रही है, साधु प्यारे लाल हत्याकांड। और ये हत्याकांड कोटा में हुआ, और साधु कहां के थे, रामस्नेही संप्रदाय के साधु थे जोधपुर के, जिनको बोला गया था हम आपको केदारनाथ बद्रीनाथ घुमा के लाएंगे, और इनको पकड़ करके कोटा लाया गया, और कोटा में इन्होंने पैसे की खातिर मार दिया, ऐसा सुनने में आया है। वो गलती से मारा गया था, ये जानबूझ के मारना नहीं चाहते थे, देश प्रेमी थे, इनको पैसे की जरूरत थी उस समय सशस्त्र क्रांति के लिए। दोस्तों इस प्रकार से साधु प्यारे लाल हत्याकांड में ये आरोपी साबित हो गए, और इनको 20 साल की सजा सुना करके हजारीबाग जेल बिहार जो वर्तमान में है, जहां इनको डाल दिया, हजारीबाग जेल में डाल दिया गया इसको, केसरी सिंह बारेठ को 20 साल की सजा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। और इस प्रकार से ये था। हाँ, यदि आपसे पूछा जाए कि इसके सहयोगी कौन थे, दोस्तों इसके सहयोगी में खास तौर से गुरुदत्त लाहिरी थे, और हीरालाल भी थे, और लक्ष्मी नारायण थे, ठीक है, ये इनके सहयोगी थे, किसके, केसरी सिंह। दोस्तों ये हो गया आपका केसरी सिंह बारेठ की बारे में बात। अब मैं आपको इनकी कुछ रचनाएं बता देता हूं। दोस्तों इनका प्रताप चरित्र, इनका प्रताप चरित्र, इनकी रूठी रानी, दोनों अपने आप में शानदार रचना, और राज सिंह चरित्र भी इंपॉर्टेंट है। राज सिंह चरित्र, प्रताप चरित्र, रूठी रानी और दुर्गादास चरित्र, ये चारों इनकी बेहतरीन रचना मानी गई है, किसकी, केसरी सिंह बारेठ की। तो याद रखना है, रूठी रानी, एक रानी को तो रूठा दो, रानी रूठी रानी, प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र और दुर्गादास चरित्र, ये तीन इनकी रचनाएं हैं, टोटल चार हो गई। ये नाम है केसरी सिंह। दोस्तों प्रताप सिंह बारेठ आप जानते होंगे, प्रताप सिंह बारेठ जो कि बनारस षड्यंत्र केस में गिरफ्तार हुए, और बरेली जेल में इनको डाल दिया गया। आप जानते होंगे चार्ल्स क्लीवलैंड को, उसने घोर यातनाएं दी थी जेल में, बरेली जेल में, और इन्होंने कहा था कि तुम सच सच बता दो कि तुम क्या चाहते थे, सशस्त्र क्रांति तुम कहां करना चाहते थे, कौन कौन तुम्हारे साथी थे। ये बनारस षड्यंत्र केस की बात हो रही है, लेकिन इन्होंने बोला मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो बोले कि तुम्हारी माँ रो रही होगी, बोले कि मेरी माँ रो रही है तो रोने दीजिए, मैं मेरी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। ये बात कौन कहते हैं, प्रताप सिंह बारेठ कहते हैं, जो कि केसरी सिंह बारेठ के पुत्र है, और कौन सी जेल में कह रहे हैं, बरेली जेल में, ठीक है, याद रखना है। कौन से केस में गिरफ्तार हुए, बनारस षड्यंत्र केस में, जोरावर सिंह बारेठ, क्या गजब का नाम होगा। दोस्तों केसरी सिंह बारेठ के छोटे भाई जोरावर सिंह बारेठ, दिल्ली षड्यंत्र केस में इनका नाम आ गया, पुलिस ने, ब्रिटिश समय की बात है, पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने के लिए अनेक प्रयास किए, हर बार पुलिस असफल रही। इनका अंतिम समय भी कोटा में बीता, और इनका छद्म नाम है अमरदास बैरागी, जिस नाम से ये कोटा में रहे थे, इस नाम से अमर दास बैरागी के नाम से ये कोटा में रहे। दोस्तों ये अमरदास बैरागी है, बैरागी छद्म नाम से कोटा में रहे, और कोटा में ही इनका निधन हो गया था 1939 में। दोस्तों नाम है जोरावर सिंह बारेठ। वैसे देखा जाए तो जोरावर सिंह बारेठ के बारे में यदि मैं एक बात कहूं कि इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों ये कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं चढ़े थे, अंतिम रूप से खुद की बीमारी से ही निधन हुआ था। दोस्तों अब हम बात गोपाल सिंह खरवा की बात कर लेते हैं। गोपाल सिंह खरवा, दोस्तों ये भी गोपाल सिंह खरवा जो कि सशस्त्र क्रांति के बेताज बादशाह कहते हैं इनको,
राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक कहते हैं इनको। इनको दिल्ली की तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था, आपको पता ही होगा। और ये भी केसरी सिंह बारेठ के बहुत बड़े सहयोगी थे और कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना करने में मदद की थी। नाम है गोपाल सिंह खरवा। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस पूरे क्वेश्चन के बारे में टोटल जानकारी जो आपके लिए जरूरी थी वो मैंने आपको जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों? ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। लिए चलता